हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर वाली मैगी बनाने जा रही हूँ। मैगी तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। हल्की फुल्की भूख हो तो मन में सबसे पहले मैगी का ही ध्यान आता है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मैगी बनाने के लिए हमें सभी वेजीज चाहिए ही हैं। खाली प्याज और टमाटर को डाल के भी मैगी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर हल्की फुल्की भूख हो और घर में सब्जियां ख़त्म हो तो खाली आप प्याज और टमाटर से मैगी को झटपट से बनाकर खा सकते हो। बच्चे हो या बड़े, मैगी सबको टेस्टी लगती है और सबकी फेवरेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर वाली चटपटी सी मैगी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैगी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। और इसके अलावा मैंने गार्लिक लिया है, गार्लिक को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप तीखा कम पसंद करते हो या आप बच्चों के लिए मैगी बना रहे हो तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हो। के अलावा मैंने नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर लिया है। और इसके अलावा मैंने मैगी ली है। मैगी का ये मैंने बड़ा पैक लिया है फ्रेंड्स, इसमें से मैं मैगी के 3 पैक बनाऊंगी। हम मैगी के पैक में से 3 पीस को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप जितने लोग हो आप उसके हिसाब से मैगी के पैकेट बना सकते हो। अब इस मैगी को मैं हल्का हल्का सा क्रश कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे हल्का हल्का क्रश कर रही हूँ। हमें इसे बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है। अब मैं मैगी मसाला की पैकेट ले रही हूँ। इन पैकेट्स को कट करके हम इसके मसाले को निकाल लेंगे। मैंने फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ऑयल को डालेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन को डालूंगी और लहसुन को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें प्याज को डाल रही हूँ। प्याज को हम अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, प्याज को खाली हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैगी में जो मैगी मसाला होता है उसमें सब मिक्स स्पाइसेस होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें स्पाइसेस को अवॉइड कीजिए, वरना आप इसमें स्पाइसेस को थोड़ा कम और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर को डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो मैगी को क्रश करके रखा हुआ था उस मैगी को अब हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें मैगी मसाला पाउडर को भी डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं एक मैगी के पैकेट के पीछे 1 छोटा कांच का गिलास पानी डाल रही हूँ, जो कि 150 ml के करीब है। तो मतलब मैं इसमें 3 पैकेट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 3 ग्लास पानी के इसमें डाल रही हूँ। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और इसे ढक देंगे ताकि मैगी में बॉयल आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैगी में बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे
और इसे हम पकने देंगे जब तक मैगी जो है ये अच्छे से गल नहीं जाती है और ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैगी को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों में मैगी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैगी कितनी बढ़िया लग रही है। मैगी अच्छे से गल चुकी है और ड्राई हो चुकी है, मैगी बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म मैगी को हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म चटपटी प्याज और टमाटर वाली मैगी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। जब हल्की फुल्की भूख हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप झटपट से प्याज और टमाटर वाली मैगी को बना सकते हो। मैगी तो सबकी फेवरेट होती है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से प्याज और टमाटर वाली मैगी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।